तो की हाल चाल दोस्तों, आज आईसीसी क्वालिफायर्स के सुपर सिक्स का लास्ट मैच श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया, जहां श्रीलंकन टीम की शानदार बॉलिंग और श्रीलंकन ओपनर की शानदार बैटिंग देखने को मिली। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। वैसे दोस्तों, नीदरलैंड्स और श्रीलंका में से कौन सी टीम जीतेगी आईसीसी क्वालिफायर्स का फाइनल कमेंट्स में जरूर बताएं। वेस्ट इंडीज की शुरुआत अच्छी रही और पहले 5 ओवर में वेस्ट इंडीज के ओपनर जॉनसन चार्ल्स और ब्रैंडन किंग ने 34 रन बना दिए थे, पर 7वें ओवर में ब्रैंडन किंग 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वेस्ट इंडीज का दूसरा, तीसरा और चौथा विकेट सिर्फ 26 रनों के अंदर अंदर गिर गया, जहां शमारा ब्रुक्स ने बनाए 2 रन, शाई होप ने बनाए 2 रन, वहीं जॉनसन चार्ल्स 40 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज का स्कोर 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर्स के बाद। वेस्ट इंडीज की मुश्किलें और बढ़ गई जब इनफॉर्म बैट्समैन निकोलास पुरन सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए, जहां वेस्ट इंडीज का स्कोर था 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर्स के बाद। इसके बाद काइल मेयर्स और केसी कार्टी ने वेस्ट इंडीज की इनिंग्स को संभाला, जहां दोनों प्लेयर्स ने 20वें ओवर में वेस्ट इंडीज के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया, जहां काइल मेयर्स और केसी कार्टी के बीच 41 रनों की पार्टनरशिप भी हुई। जब वेस्ट इंडीज का स्कोर 122 रन था, तब अच्छा खेल रहे काइल मेयर्स 18 रन बनाकर आउट हो गए, और जब वेस्ट इंडीज का स्कोर 123 रन था, तब क्रीज पर नवे आए रॉस्टन चेस 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जल्दी 7 विकेट गिरने के बाद पूरी जिम्मेदारी केसी कार्टी और रोमेरियो स्ट्रैफर्ड पर आ गई, जहां इसी बीच केसी कार्टी ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए, जहां केसी कार्टी और रोमेरियो स्ट्रैफर्ड के बीच 32 रनों की पार्टनरशिप भी हुई। पर जब वेस्ट इंडीज का स्कोर 155 रन था, तब रोमेरियो स्ट्रैफर्ड 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद केसी कार्टी और केविन सिंक्लार ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की, जहां सबसे पहले दोनों प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया, जहां केसी कार्टी और केविन सिंक्लार के बीच 50 प्लस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। जब वेस्ट इंडीज का स्कोर 218 रन था, तब केविन सिंक्लार 25 रनों पर, वहीं जब वेस्ट इंडीज का स्कोर 243 रन था, तब केसी कार्टी 87 रन बनाकर आउट हो गए। जहां वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 243 रनों पर ऑल आउट हो गई, वो भी सिर्फ 48 ओवर्स में। 244 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही, जहां दूसरे ओवर में पतुम निशंका ने 2 फोर, वहीं 7वें ओवर में करुणा रत्ने ने भी 2 फोर लगा दिए, जहां 9वें ओवर में दोनों प्लेयर्स के बीच 50 प्लस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। दोनों प्लेयर्स यही नहीं रुके और 12वें ओवर में करुणा रत्ने ने 1 फोर, वहीं 15वें ओवर में पतुम निशंका ने 3 फोर लगाए, जहां 17वें ओवर में दोनों प्लेयर्स के बीच 100 प्लस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, जहां 18वें ओवर में पहले पतुम निशंका ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वहीं 21वें ओवर में करुणा रत्ने ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, जहां 24 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर था 136 रन बिना किसी नुकसान के। 26वें ओवर में दोनों प्लेयर्स ने श्रीलंका के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया, जहां पतुम निशंका अपनी सेंचुरी के नजदीक थे।